276 गाथा। अब ये प्रश्न होता है कि निश्चयने के द्वारा निषेध व्यवहार नय और व्यवहार नय का निषेधक निश्चयनय, ये दोनों नय कैसे हैं? किया है ना, दो प्रकार के नय हैं, निश्चयनय और व्यवहार नय। निश्चयनय मैंने असली बात को कहने वाला, कहने वाला मैंने जानने वाला वास्तविक बात को। व्यवहार नय मैंने जो बात असली तो नहीं है, वास्तविक तो, लेकिन कार्य के साथ में जिसका योग रहता है उसको भी जो कार्य का कारण कार्य का साधन रहता है उसका नाम व्यवहार नय है। ये दोनों नए कैसे, ये प्रश्न किया। निश्चय नय के द्वारा निषेध व्यवहार नय और व्यवहार नय का निषेधक निश्चय नय, ये दोनों नए कैसे हैं? अतः व्यवहार और निश्चय का स्वरूप कैसे हो? आयारादीनां जीवादिदंशनं च ऋणेयं छद्जीवनिकं च तः मनैर्यन्तं तु व्यवहारो आदाहु मज्जनां आदमीदंशनं च ऋणं च आदापचखानम् आदमी संबरो जो हो। आचार्यादि शास्त्र ज्ञान है, जीवादि तत्व दर्शन जानना चाहिए, तथा छह जीव निकाय चारित्र हैं, ऐसा तो व्यवहार नहीं कहता। निश्चय से मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही दर्शन और चारित्र है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, मेरा आत्मा ही संवर और योग है। ये दो प्रकार के नए मैंने नए अर्थात ज्ञान, दो प्रकार का ज्ञान क्यों पैदा होता है? क्योंकि दो प्रकार की वस्तु व्यवस्था है, एक कार्य के होने पर ये दो प्रकार की व्यवस्था रहती है, नियम से रहती है। कार्य होता है तो वहाँ उसकी कुछ बाहरी पृष्ठभूमि भी होती है, उस बाहरी पृष्ठभूमि का वर्णन करने वाला वो व्यवहार नहीं कहता। पहला था वो उसका वर्णन क्यों करता है, इसलिए करता है कि अगर वो भूमिका ही न हो, वो पृष्ठभूमि न हो तो काम नहीं है। और जो वास्तविक कार्य है, वो कार्य का जो वास्तविक साधन है उसका वर्णन करने वाला, उसको जानने वाला वो निश्चय नहीं कहना है। दो प्रकार की बात, सरल है, कठिन नहीं है। आचारांगादि शास्त्र ज्ञान है, आचारांगादि जो 12 अंग हैं, भगवान जिनेन्द्र की वाणी से गंधर जिसका गुंथन करते, जैसे आचार्य धरसेन का उपदेश हुआ तो पुष्पदंत और भूतबली ने शखंडागंध लिखा, धरसेनाचार्य ने लिखा नहीं, उन्होंने तो कहा, उपदेश दिया, और पुष्पदंत भूतबली ने शखंडागंध शास्त्र लिखा। इसी तरह भगवान की जो ओंकार ध्वनि होती है उसको समझकर गणधर 12 अंग की रचना करते हैं, भगवान की वाणी को 12 भागों में विभक्त कर लेते हैं अपने ज्ञान में। गणधर का ज्ञान भी सामान्य नहीं होता, भगवान की वाणी सुनी
और इसमें से इतनी गंभीर रचना करते हैं, बारह अंग जैसी अंतर्मूर्त में लिखे तो बरसों लगे, लिखना नहीं मन, अपने ज्ञान में उसका विभाजन कर लेते हैं, विषयवार विभाजन। तो आचार्य अंगादि शास्त्र में जो बारह अंग हैं वो ज्ञान है, ज्ञान के निमित्त है, इसलिए उनको ज्ञान कहा। आचार्य अंगादि शास्त्र न हो तो आत्मा का ज्ञान न हो, ठीक है ना? आचार्य अंगादि शास्त्र न हो तो आत्मा का ज्ञान न हो, इसलिए ज्ञान के जो साधन हैं, ज्ञान के जो निमित्त हैं, ज्ञान जिनके होने पर ही होता है, लेकिन जिनमें स्वयं ज्ञान नहीं है और जिनसे ज्ञान होता नहीं है, जिसमें ज्ञान है उसको ज्ञान होता है लेकिन उनके होने पर होता है। ज्यादा दाव पेच की बात नहीं है, इस समय सार है ना आत्मा की बात, हम समय सार को पढ़कर सुनकर जानते हैं। इस समय सार में है ज्ञान, इन पन्नों में, पृष्ठों में, अक्षरों में, इस समय सार में जहाँ आत्मा लिखा है, आत्मा लिखा है, आता है ना आत्मा, ये आत्मा, मेरा आत्मा ही ज्ञान है, ये आत्मा शब्द है ना, इस आत्मा में ज्ञान है नहीं है, ये आत्मा है नहीं, नहीं है ये आत्मा, ये आत्मा है कि नहीं, ये लिखा है, ये आत्मा है नहीं। अच्छा इसको क्या कहोगे, इसको भी आत्मा ही बोलेंगे, ये आत्मा कहा तो जाता है लेकिन ये आत्मा नहीं है, इसको आत्मा क्यों कहते हैं हम, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको पढ़कर आत्मा का ज्ञान हो सकता है, कोई आत्मा का ज्ञान करना चाहे तो। हम कहते हैं देखो इसमें आत्मा कहाँ है, इस लाइन में क्या कब क्या बताएंगे, ये है आत्मा, इस लाइन में आत्मा कहाँ है तो क्या बताएंगे, है ना, पर ये आत्मा में आत्मा का वाचक, आत्मा को कहने वाला जो शब्द है उसको भी आत्मा कहते, जो आम का चित्र है उसको भी आम कहते, एक वृक्ष पर आम, जामुन, अनार, अंगूर, कई चित्र, पूछा जाए बताना आम कहाँ, और वहीं आम का पेड़ हो तो किसकी तरफ इशारा करेगा, आम के पेड़ की तरफ, या उस पृष्ठ में बताएगा ये है आम, वो आम है। तो जो आम जैसे आकार वाला है और जिसको देखकर आम समझ में आ सकता है उसको भी आम के नाम से कहा जाता है। तो आचार्य अंगादि शास्त्र ज्ञान है, जो ज्ञान के निमित्त हैं उसको सीधा ऐसे अपनी भाषा में बिठाना बात को, जिनके होने पर आत्मा का ज्ञान हो सकता है उनको भी ज्ञान के नाम से पुकारा जाता है। ज्ञान हो जाए वो जरूरी नहीं, तो यदि आत्मज्ञान होता है तो इनके होने पर ही होता है, क्योंकि आत्मा का सही वर्णन इनमें ही मिलता है, अन्यत्र नहीं मिलता, अन्यत्र उपन्यास, कहानी, अखबार, इनमें नहीं मिलता है, या अन्य दर्शन दुनिया के, वहाँ जो हैं तरह तरह के हैं ना, वेदांत, उपनिषद, वेद, गीता, गीता में आत्मज्ञान लेने जाओ तो नहीं मिलेगा, तो आत्मा का सही वर्णन वहाँ, जहाँ आत्मा का स्वरूप सही नहीं बताया गया हो वहाँ यदि हम आत्मा को जानना चाहेंगे तो गलत आत्मा हाथ में आएगा, सही आत्मा नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ सही वर्णन है आत्मा का वहाँ से आत्मा का सही ज्ञान हो सकता है, होना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है,
और हम बरस हो गए ना, समय सार पढ़ते और सुनते हो गए आत्मज्ञान। कितनी बार आत्मा बोला होगा, हजारों बार करे तो हो, लेकिन हो तो वही हो, अन्यत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा का सही स्वरूप यही बताया गया है। इसलिए उन शास्त्रों को भी ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान कहा तो झूठ बोला या सही कहा, इसने व्यवहार नहीं है, सही बोला, सही बोला, एक प्रयोजन से बोला। क्या प्रयोजन था? आत्मा का ज्ञान यदि होगा तो यही होगा, इन शास्त्रों को पढ़कर ही, सुनकर ही। इनको कोई कहने वाला है तो उसको सुनकर ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए ज्ञान तो यहाँ है, ये बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? कोई कहे तो वहां भी मिलता है, गीता भवन में भी, तो क्या कहेंगे हम कि ज्ञान तो यहाँ, लेकिन यहाँ है ज्ञान, यहाँ है, मैं इसको पढ़कर सुनकर ज्ञान हो सकता है, तो समझना चाहे तो हो सकता है। इसलिए आचार्य अंग आदि शास्त्र ज्ञान है। कॉलेज में नहीं होता है ये कक्षा, किसकी है कि ये इंग्लिश की है ये कक्षा, और ये इतनी हिंदी की, और ये साइंस की कक्षा होती, कक्षा कमरा होता अंग्रेजी का, उस कमरे में अंग्रेजी होती, उस कमरे में हिंदी होती है, फिर अंग्रेजी की कक्षा कौन सी की है? अंग्रेजी की है, इसमें है कुछ, लेकिन ये न कहा जाए तो वहाँ आएगा ही नहीं कोई। और अंग्रेजी का ज्ञान यदि होता है तो वहाँ होता है, लेकिन उस कक्षा की दीवारों में ज्ञान नहीं है। और विद्यार्थियों को जो ज्ञान प्राप्त करना है वो प्रोफेसर में भी नहीं है, प्रोफेसर का है प्रोफेसर के पास। विद्यार्थियों को जो ज्ञान होना है वो अपना अलग से भीतर से होना है, प्रोफेसर से नहीं आना है। आना है तो इस तरह आना है, और कोई परिस्थिति नहीं दूसरी। इसलिए इनको ज्ञान कहा। सारे ही विद्यार्थी वो अपनी पुस्तकों को विद्या कहते, लेकिन विद्या तो मस्तिष्क में होती है, पुस्तकों में विद्या नहीं होती, लेकिन वे पुस्तकें विद्या के साधन होते हैं, इसलिए उनको विद्या के नाम से पुकारा जाता है। ये कथन कौन सा हुआ? व्यवहार नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात क्या कही अपने यहाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, व्यवहार नहीं का विश्वास नहीं करना चाहिए। इधर तो उसको कहा सम्यक ज्ञान, और फिर क्या कहा, ऐसी अटपटी बातें हैं जैन धर्म में जो किसी के बैठे नहीं दिमाग में। व्यवहार नय सम्यक ज्ञान है, ठीक है, लेकिन व्यवहार नय का विश्वास नहीं करना चाहिए। सम्यक ज्ञान भी है तो विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए? सम्यक ज्ञान तो इसलिए है कि वह एक सही परिस्थिति का परिचय देता है। वो ये कहता है कि जब तक भगवान सर्वज्ञ की वाणी अथवा भगवान सर्वज्ञ की परंपरा में चली आई जो वाणी, जो ज्ञान ज्ञानियों को मिला, संतों को मिला, मुनियों को मिला, उनसे जब तक न सुने आत्मा की बात तब तक आत्मज्ञान नहीं होता। इसलिए हम उनको आत्मज्ञान के साधन कहते हैं। ये साधन कहने की बात हुई, लेकिन यदि उनमें ज्ञान मान लिया जाए तो ज्ञान हो गए। यदि वहां तक न आया जाए तो ज्ञान हो गए। आचार्य अंग आदि शास्त्र जैसे समयसार है, समयसार में किसको कहते हैं? समयसार किसको कहते हैं? शुद्धात्मा। ये समयसार में है शुद्धात्मा, लेकिन समयसार को अगर न सुना जाए तो शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन इसी को अगर समयसार मान लिया जाए तो समयसार जो भीतर है उसकी उपलब्धि नहीं होती है। दो तरह की बात है नहीं। इसलिए व्यवहार ने जो बात कही वो बात बहुत सुंदर है। उसने क्या किया
कि हमारी बुद्धि जो भटकती थी, जगह जगह धर्म तलाश करती थी, जगह जगह हम ये सोचते थे कि वहां भी तो मिलता होगा आखिर, वो भी तो धर्म है कि नहीं। तब जो सही ज्ञानी है या सही शास्त्र है, उन्होंने कहा कि केवल सर्वज्ञ की जो वाणी है वीतराग की, वही मिलेगा यदि आत्मा का ज्ञान मिलेगा तो। इसलिए सब जगह से हमको हटाकर समेट कर एक जगह लाकर रखा, इतना बढ़िया हुआ। जगह जगह हम ढूंढते थे धर्म, तो वो वहाँ नहीं है कहते, वो तो धूल है एकदम, वहाँ मिलने वाला ही नहीं है। हर पर्वत पर जाए तो हर पाषाण में सोना नहीं मिलेगा। तब किसी ने कहा कि सोने की खान ये है, ये जो पत्थर है इसमें सोना है। तो दुनिया भर के जो पर्वत और पत्थर थे वहाँ से हम हटे ना और एक जगह आ गए, तो कितना अच्छा हुआ, कितना परिभ्रमण समाप्त हुआ। इसी तरह केवल सर्वज्ञ और वीतराग की वाणी में ही सत्य मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने साक्षात आत्मा को जाना है, देखा है, अनुभव किया है, पाया है, और उनकी वाणी से निकले हुए आचारांग आदि शास्त्र हैं। इसलिए वही ज्ञान है और ज्ञान नहीं है। ये सुंदर हुई नहीं बात? तो वे ज्ञान के निमित्त और साधन है, इसलिए उनको ज्ञान कहा। ये हुआ व्यवहार नय। ज्ञान न होने पर भी वे ज्ञान के साधन हैं, वही हैं ज्ञान के साधन, इसलिए उनको ज्ञान कहा। ये तो व्यवहार नय का प्रयोजन हुआ, एंगल हुआ, एंगल दृष्टिकोण। लेकिन उनको अगर ज्ञान मान लिया जाए तो, इसलिए व्यवहार ने जो बात कही वो सम्यक ज्ञान तो है, क्योंकि सम्यक बोध कराया ना उसने, असली बोध कराया ना, कि यहाँ आकर ही तुमको आत्मज्ञान हो सकता है, अन्यत्र कोई प्लेटफॉर्म आत्मज्ञान का नहीं है, इतना कहा। तो ये सम्यक ज्ञान हुआ नहीं, क्योंकि ज्ञान यदि होगा तो यही होगा। लेकिन फिर ये कहा इनको ज्ञान मत मान लेना, इनमें ज्ञान नहीं, इन शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, भाषा में ज्ञान नहीं है, तीर्थंकर की जो वाणी है उसमें ज्ञान नहीं है। तीर्थंकर के भीतर ज्ञान है, केवल ज्ञान, वाणी में ज्ञान नहीं है। तो कोई शास्त्र को ही ज्ञान मानकर उससे ही अपेक्षा करे कि मैं तो केवल इनको पढ़ूंगा तो इनसे मेरे को ज्ञान मिल जाएगा, तो वो झूठा है, उसने व्यवहार ने को समझा नहीं। ऐसी ऐसी है, बस ये पढ़ो और हो जाएगा, ये श्रद्धा मानो इसी में हो। कमरे छूट गए और सिर्फ एक जगह रहे, केवल एक जगह रही, तो वहाँ गए तो उसमें है खाना, जो कमरा बताया उसमें खाना है, कमरे में खाना होता है, वहाँ तो पत्थर है। लेकिन उसको रसोई कहा कि नहीं, क्यों कहा? क्योंकि वहाँ रसोई बनती नहीं है, बन सकती है, आटा हो पास में तो, आटा ही नहीं हो तो क्या है, तो पत्थरों से बनाएगा? बन सकती है, बनाए तो। इसलिए उसको जो रसोई का साधन, रसोई का निमित्त है, जहाँ जाकर अगर सामग्री पास में हो तो रसोई बनाई जा सकती है, तो उस कमरे को जो पत्थरों का बना हुआ है उसको रसोई कहा। अब किसी को रसोई जीवना है तो वो उस रसोई को जीवने लगे तो बढ़िया हो जाएगा काम, तो झूठ बोलेगा रसोई में है, उसको रसोई कहा तो प्रगट रूप में तो झूठ जैसा लगा ना। लेकिन ये झूठ बोलने का प्रयोजन है क्या? झूठ हमेशा प्रयोजन में होता है, वाणी में झूठ नहीं होता है, प्रयोजन में होता है। तो वहाँ क्योंकि भोजन प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उस कमरे को भी रसोई के नाम से कहा, इतना हुआ। अब कोई अगर उसी को रसोई मान ले तो अनर्थ हो जाए। इसी तरह कोई इन शास्त्रों को ही ज्ञान मान ले, किसी के शब्दों को ही ज्ञान मान ले, किन पन्नों को ही ज्ञान मान ले, तो उसको ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए व्यवहार ने आचारांगादि शास्त्रों को ज्ञान कहा। जीवादि तत्व दर्शन जानना चाहिए, जीव जीवाश्रवंध संवर नजरा मोक्ष, ये जो तत्व है ना सात, इनका विश्वास, उसका नाम दर्शन। कौन सा दर्शन है ये? कौन सा दर्शन? जैन दर्शन, जैन दर्शन रहे सारे, श्रद्धा श्रद्धा
वो दर्शन नहीं, दूसरा जो दर्शन ज्ञान के साथ आता है ना, आत्मा दर्शन ज्ञान स्वरूप, वो दर्शन नहीं, श्रद्धा, श्रद्धा की है बात। तथा छह जीव निकाय चरित्र हैं, छह जीव निकाय में छह प्रकार के जीवों की रक्षा, उसको चरित्र कहते हैं। ऐसा तो व्यवहार नहीं कहता, ये क्या कहा, छह गाय के जीवों की रक्षा चरित्र है, इतना में चरित्र, छह प्रकार के जीवों की रक्षा करना, उनको बचाना, अहिंसा का पालन करना, निरंतर दया का भाव रखना, ये किसका नाम है चरित्र। वो नहीं है चरित्र, क्योंकि आत्मा का चरित्र कभी भी अन्य में नहीं होता। आत्मा का आचरण कहाँ होता है, स्वयं आत्मा के भीतर। इसको चरित्र क्यों कहा, यदि चित्त में इतना दया का परिणाम न होगा तो आत्मा का आचरण होगा ही नहीं, लेकिन ये आचरण नहीं है सच्चा। इसलिए छह काय के जीवों की रक्षा को चारित्र कहा, दया धर्म का मूल है, नहीं आता भाग मूल अभिमान नहीं आता। छह काय के जीवों को चारित्र का, छह जीव निकाय चारित्र है, छह काय के जीवों की रक्षा का परिणाम। कौन से छह काय के जीव, छह काय मालूम है क्यों गुमचंद, छह कौन से हैं, पृथ्वी का है, समूह कोमल परिणाम ना हो तो धर्म का प्रवेश चित्त में नहीं होगा। बहुत तेज तीव्र परिणाम हो ना, तीव्र हिंसा झूठ चोरी कुशील का परिणाम हो, तीव्र क्रोध मान माया लोभ का परिणाम हो, तो वहाँ तेज क्रोध आ रहा हो किसी को, वहां के अरे तू तो आत्मा है, आत्मा का ध्यान कर, तो वो सुनेगा उसको आएगी कुछ। इसलिए पहले तो कहते हो छींटे दो छींटे ठंडे जल के, ठंडे जल के छींटे से कुछ होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ है इसका थोड़ा सा क्रोध शांत होने दो, इसके बाद, क्योंकि वो खुद कहता है कि देखो मेरे से बात मत करो अभी, मैं आपे के बाहर हूँ, आपे के बाहर मैंने अपने बाहर, आपा मैंने चंडाली चंडाली, वो खुद कहता है मेरा भी ठिकाना नहीं है, उसको नहीं समझाया जा सकता है, ये तो प्रैक्टिकल बात है नहीं। और जब उसका क्रोध कम हो जाए तो हम उसको कोई बात कह सकते हैं और वह सुन भी सकता है, स्वीकार कर सकता है। इसी तरह जहाँ चित्त में कोमलता हो, जीवों की रक्षा का भाव हो, तो वहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ऐसा व्यवहार न रहता है।